नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। सियासत के शिखर पुरुष और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आज आखिरी विदाई दी जाएगी। दोपहर 2:30 बजे दिल्ली के लोधी शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। दोपहर 12 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। कल शाम भारत रत्न प्रणब मुखर्जी ने आर्मी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का पार्थिव शरीर उनके घर 10 राजाजी मार्ग स्थित सरकारी आवास पर रखा गया है, जहां देश भर के नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली स्थित आवास पर रखा गया है पार्थिव शरीर, जहां पर परिवार मौजूद है। एक के बाद एक नेता पहुंच रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। दोपहर 2:30 बजे माना जा रहा है कि अंतिम संस्कार होगा। लोधी शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल उन्होंने आखिरी सांस ली और आपको बता दें कि फेफड़े में संक्रमण की उन्हें शिकायत थी और साथ ही साथ दिमाग में खून का थक्का बनने की भी शिकायत उन्हें थी। काफी समय से वो वेंटिलेटर पर थे और इसके बाद कल उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके निधन की जानकारी उनके बेटे ने दी और आज 2:30 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें कि उससे पहले पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर रखा गया है। सरकारी आवास पर अंतिम दर्शन करने के लिए नेता पहुंच रहे हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल विपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवड़े, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके निवास पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अब से पहले वो पहुंचे थे, उन लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पार्थिव शरीर को उनके निवास पर रखा गया है। यहीं पर आज उनके अंतिम दर्शन करने के लिए नेता पहुंच रहे हैं और आपको बता दें कि 2:30 बजे का समय लगभग तय किया गया है जब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रणब मुखर्जी देश के सर्वोच्च पद पर भी रहे और 1969 में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य, साल 1984 में वो भारत के वित्त मंत्री तक बने थे। 1995 से 1996 तक पहली बार विदेश मंत्री भी रहे। 1997 में उनके उत्कृष्ट सांसद उन्हें चुना गया। मनमोहन सिंह सरकार में वित्त मंत्री रहे, एक बड़ी जिम्मेदारी निभाई और इसके बाद 2012 से 2017 तक देश के राष्ट्रपति रहे। 5 बार राज्यसभा, 2 बार लोकसभा से वो चुने गए थे। विदेश मंत्रालय से लेकर वित्त मंत्रालय तक उन्होंने संभाला था। 26 जनवरी 2019 में भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि 5 बार वो राज्यसभा के सदस्य, 2 बार वो लोकसभा के सदस्य थे। तो लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और प्रणव दा के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं। प्रणव दा के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए उनके सरकारी आवास पर रखा गया है, जहां एक के बाद एक नेता पहुंच रहे हैं और वो उनका अंतिम दर्शन कर रहे हैं। Remained in constant touch with the Prime Minister, and he had kept in touch with him, and he used to inquire about his health and how. और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जाहिर किया था। 2 तस्वीरें भी उन्होंने ट्विटर पर साझा की थी और उसके जरिए उन्होंने याद किया था। राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। 10 राजाजी मार्ग पर सरकारी आवास प्रणव दा का है और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। ये तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब पुष्प चक्र उन्हें अर्पित करेंगे और नमन करेंगे। पिता के रूप में उन्होंने उनका मार्गदर्शन लिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 2 तस्वीरें साझा की थी, जिसके जरिए उन्होंने बताया था कि कैसे प्रणव दा समय समय पर उनका मार्गदर्शन करते रहते थे, कैसे वो एक बच्चे की तरह उनका ख्याल रखते थे। जबकि खाटी कांग्रेस प्रणव दा थे,
कांग्रेस के विचार उनके रग रग में थे, लेकिन फिर भी विपक्ष के तौर पर बीजेपी के लोगों का मार्गदर्शन वो करते रहते थे। और शायद यही वजह है कि प्रणव दा के कद को सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि वो हर किसी के लोकप्रिय थे। और आज जब वो नहीं है हमारे बीच, तो हर कोई उन्हें याद कर रहा है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो तस्वीरें साझा की थी, 2014 की वो तस्वीरें थी जब प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, तो वो पहुंचे थे प्रणव दा से मिलने के लिए और बहुत ही हंसते हुए उन्होंने उनसे हाथ मिलाया था और उसके बाद पैर छूकर उनका आशीर्वाद दिया था। उसके बाद उन्हें याद करते हुए एक वीडियो भी साझा किया गया था, जो वीडियो कल काफी वायरल हो रहा था। और उस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिक्र कर रहे हैं कि कैसे प्रणव दा हमेशा उनका मार्गदर्शन करते थे, कैसे वो समझाते रहते थे कि आपको अपना कैसे ख्याल रखना है, क्योंकि आपकी व्यस्तता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप अपना ख्याल नहीं रखते। लेकिन ऐसे समय में जब आप एक बड़े ओहदे पर हों, तो आपको खुद को भी सुरक्षित रखना है, अपना भी ख्याल रखना है। और वो हमेशा इन बातों को लेकर प्रधानमंत्री से चर्चा करते रहते थे। ये तस्वीरें आपको लाइव लगातार दिखा रहे हैं, दिल्ली से तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्प चक्र अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो उनके साथ राजनाथ सिंह भी मौजूद थे और दोनों ने ही पुष्प चक्र अर्पित करते हुए नमन किया। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से निकल चुके हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आज 2:30 बजे अंतिम संस्कार का समय तय किया गया है, लगभग 2:30 बजे लोधी शमशान घाट पर प्रणव दा का अंतिम संस्कार होगा, अंतिम विदाई दी जाएगी। लेकिन उससे पहले पार्थिव शरीर का दर्शन करने के लिए एक के बाद एक राजनेता पहुंच रहे हैं। इससे पहले बिपिन रावत भी पहुंचे थे और सेनाध्यक्ष भी पहुंचे थे। आपको बता दें कि तीनों सेना के प्रमुख पहुंचे थे, जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां से निकल चुके हैं। दिल्ली स्थित आवास पर पार्थिव शरीर को रखा गया है और आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, जो जो वहां पर पहुंच रहा है अंतिम दर्शन के लिए, आप सीधे ये तस्वीरें लाइव देख पा रहे हैं। As our correspondent also put, he was indeed a living encyclopedia for the love of knowledge which he had. He also. तो लगातार राजनीतिक सफर भी आप देख पा रहे हैं प्रणव दा का। 1969 में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा वो सदस्य रहे और साल 1984 में वो भारत के वित्त मंत्री बने थे। 1995 से 1996 तक पहली बार विदेश मंत्री के पद पर वो आसीन हुए और 1997 में सांसद चुने गए। मनमोहन सिंह की सरकार में भी वो वित्त मंत्री के पद पर रहे थे और इसीलिए कहा जाता है कि कांग्रेस उनका जो गहरा नाता था, वही उनको खाटी कांग्रेसी बताता था। आरएसएस के विचारधारा में वो बिलीव नहीं करते थे, लेकिन उस पर वो बोलने से भी कभी कतराते नहीं थे। हमेशा वो अपने वक्तव्य को रखते थे, हमेशा वो अपनी बात जरूर कहते थे। जो भी विचारधारा उनकी होती थी, वो उसे जनता के बीच रखते, उसे साझा करते थे और वही उनकी लोकप्रियता की एक वजह थी। और इस वक्त तो आप देख रहे हैं वेंकैया नायडू पहुंच चुके हैं, तस्वीरें सीधी आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक के बाद एक राजनेता पहुंच कर दर्शन कर रहे हैं और अब वेंकैया नायडू भी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें जिन लोगों ने उनसे कुछ सीखा, जिन लोगों ने उनके साथ काम किया, आज उनके लिए ये अपूर्णीय क्षति है, देश के लिए अपूर्णीय क्षति है, राजनीति के लिए अपूर्णीय क्षति है, जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। और पुष्प चक्र अर्पित करते हुए प्रणव दा को नमन करते हुए वेंकैया नायडू, इस वक्त ये तस्वीरें आप सीधी देख पा रहे हैं दिल्ली से। तो परिवार के सदस्य मौजूद हैं, प्रणव दा के बेटे मौजूद हैं, घर के अन्य सदस्य भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जो लोग आ रहे हैं उनसे मिल रहे हैं, गहरा शोक जाहिर किया जा रहा है। परिवार के लिए इस वक्त बहुत ही दुखद घड़ी है, परिवार को संबल प्रदान करे ईश्वर, यही कामना हर कोई कर रहा है। और आपको बता दें कि प्रणव दा हमेशा से बहुत ही
नरम विचार के रहे हैं, लेकिन जब भी वो अपनी अभिव्यक्ति रखते थे तो वो अपनी अभिव्यक्ति बहुत ही कड़े शब्दों में रखते थे और सीधे तौर पर हमेशा, कभी भी वो किसी भी पार्टी में कभी भी डरे नहीं, चाहे वो कांग्रेस में रहे। लेकिन कहा जाता है कि कांग्रेस ने उनकी उतनी कद्र नहीं की, जिस कद के वो व्यक्ति थे उतनी कद्र नहीं की गई, क्योंकि 3 बार प्रधानमंत्री बनते बनते वो रह गए, क्योंकि 3 बार ऐसा मौका उनके जीवन में आया था जब लगा था कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब किस्मत आपका साथ ना दे तो आपके पास आया हुआ मौका भी लौट जाता है, और कुछ ऐसा ही प्रणव दा के साथ हुआ था और वो 3 बार प्रधानमंत्री बनते बनते चूक गए थे, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व था वो उस कुर्सी के कद के बराबर था। और बाद में हालांकि राष्ट्रपति के पद पर वो आसीन हुए, और उसके बाद उससे पहले अगर मनमोहन सरकार में बात करें तो वित्त मंत्री के पद पर भी वो रह चुके थे, विदेश मंत्रालय वो संभाल चुके थे, बहुत सारे फाइनेंस को लेकर जो वो अनुमान लगाते थे वो बहुत सटीक और बहुत ही सही साबित होता था। तो ये उनकी क्वालिटी थी और यही वजह थी कि प्रणव दा एक अलग तरीके के व्यक्तित्व बन गए थे। शिखर पुरुष प्रणव दा का निधन तो हो गया, लेकिन उनके जो विचार हैं, जिस तरीके से उन्होंने प्रेरित किया है अब तक राजनीति को, अगर हम निजी तौर पर लोगों को भी देखें तो वो हमेशा बहुत ही नरम विचार के साथ, बहुत ही नरम स्वभाव के साथ मिलते थे, चाहे वो सिर्फ पार्टी के लोगों की बात नहीं बल्कि विपक्ष के लोगों की भी। और यही वजह है कि जो बीजेपी के लोग हैं आज उन्हें याद करते हुए ये कह रहे हैं कि भले ही प्रणव दा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके साथ की इतनी यादें हैं कि उन्हें कभी भी जहन से भुलाया नहीं जा सकता है। और आज जब वो नहीं है तो हर कोई ट्विटर के जरिए उन्हें याद कर रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर कोरोना संक्रमण का खतरा जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, उस वक्त में बहुत सारे राजनेता यहाँ पर हो सकता है कि ना भी पहुँचे, लेकिन हर कोई आज उन्हें याद कर रहा है ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, हर सोशल साइट के जरिए उन्हें याद करते हुए उनके साथ जो लोगों की स्मृतियाँ रही हैं उसे साझा करते हुए बताया जा रहा है कि प्रणव दा के साथ उनकी क्या बातचीत थी, किस तरीके से जब वो मिले थे तो वो उनके साथ बातचीत करते थे, क्या सुझाव देते थे, क्योंकि अक्सर बहुत जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं उनकी बातों को अगर आप सुनेंगे तो एक अलग तरीके का विचार रहता है, ऐसा लगेगा कि आम जीवन में आप ऐसे लोगों से बहुत ही कम मिलते हैं, इस कद के व्यक्ति आपके आसपास बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ये लोग आपको इतना प्रभावित कर देंगे कि ये अपने पार्टी के कद से काफ़ी ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए कोई सीमा नहीं होती पार्टी की, या फिर किसी भी तरीके की सीमा में इन्हें बांधा नहीं जा सकता है, और प्रणव दा उन्हीं हस्तियों में से एक थे। आज प्रणव मुखर्जी का निधन जरूर हो चुका है, लेकिन रक्षा मंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, इससे पहले प्रधानमंत्री पहुंचे, प्रधानमंत्री ने उन्हें याद किया, वेंकैया नायडू पहुंचे और तीनों प्रमुख सेना के पहुंचे थे। तो आप समझ सकते हैं कि उनके कद की वजह से, उनके विचारों की वजह से हर कोई आज दुखी है। ये अपूर्ण क्षति ना सिर्फ राजनीति के लिए है बल्कि देश के लिए भी है, क्योंकि इसी के साथ एक युग का अंत हो चुका है। जब से उनकी तबीयत खराब थी हर कोई उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, उन्हें नमन करते हुए भगवान से ये प्रार्थना की जा रही थी कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए, लेकिन सबसे पहले कोरोना की शिकायत मिली कि कोरोना पॉजिटिव है प्रणव दा, इसके बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया और उसके बाद से ही उनकी तबीयत खराब होती गई। सबसे पहले फेफड़े में संक्रमण की जानकारी मिली, ये शिकायत मिली कि उन्हें फेफड़े में संक्रमण है। बीच में अफवाह भी उड़ी थी कि प्रणव दा नहीं है, उनके निधन की अफवाह उड़ाई गई थी, जिसके बाद उनके बेटे ने इसका खंडन करते हुए लिखा भी था कि नहीं, अभी उनके पिता जिंदा हैं और वो वेंटिलेटर पर हैं। लगातार जो जानकारियां थी हॉस्पिटल में, जो उनका मेडिकल बुलेटिन आता था, उनके पुत्र साझा भी किया करते थे, वो बताते थे, लेकिन मीडिया पर भी उन्होंने काफ़ी नाराजगी जाहिर की थी जब अफवाहें फैली थी। लेकिन कल जब प्रणव दा ने आखिरी सांस ली, उनका निधन हुआ, तो सबसे पहले उनके पुत्र ने ही ये जानकारी साझा की और दुख उसके बाद से हर किसी के लिए है, लेकिन परिवार के पास इस वक्त जो परिवार के लिए दुखद घड़ी है उससे लड़ने के लिए भगवान उन्हें शक्ति दे, यही कामना आज हर कोई कर रहा है और इसी के साथ परिवार के साथ हर कोई खड़ा भी है। और दोपहर 12 बजे तक का टाइम तय किया गया है अंतिम दर्शन करने के लिए, क्योंकि 2:30 बजे
प्रणव दा का अंतिम संस्कार होगा। लोधी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। साथ ही साथ हम आपको लगातार दूसरी तरफ राजनीतिक सफर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे, ताकि आप समझ सकें कि कब क्या जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई थी। मनमोहन सिंह सरकार में वित्त मंत्री रहे थे और 2012 से लेकर 2017 में राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। बहुत काम उन्होंने देश के लिए किया, कई क्षेत्रों में उनका अहम योगदान है, लेकिन भारत रत्न उन्हें 26 जनवरी 2019 में दिया गया, यानी कि मोदी गवर्नमेंट में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। और 1969 में आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने काम किया, उसके बाद 1995 से लेकर 1996 तक पहली बार वो विदेश मंत्री बने थे। बतौर विदेश मंत्री उन्होंने कई नीतियां बताई, कई ऐसी चीज़ें बताई जो आकलन का विषय रहा बड़े बड़े फाइनेंसर्स के लिए, और 5 बार राज्यसभा, 2 बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं प्रणव दा। वित्त मंत्रालय तक वो संभाल चुके हैं, विदेश मंत्रालय वो संभाल चुके हैं, और 26 जनवरी 2019 को उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। और प्रणव दा की कई वीडियो इस वक्त वायरल हो रहे हैं, जिसमें से एक वीडियो उनका ऐसा है कि उनका कहना था कि वो चाहते थे, वो सपने में कभी सोचा करते थे या अगले जन्म में वो राष्ट्रपति के पद पर आसीन होना चाहते थे, इस तरीके के विचार वो रखते थे, लेकिन इसी जन्म में भगवान ने उन्हें ये मौका दिया कि राष्ट्रपति के पद पर वो आसीन हो और अपना योगदान देश के लिए दे सके। जब वो राष्ट्रपति भवन में दाखिल हुए थे तो उनकी कई तस्वीरें ऐसी सामने आई थी, जब वो राष्ट्रपति भवन के अलग अलग कोनों में उनकी तस्वीर साझा उन्होंने खुद की थी सोशल मीडिया पर, तो काफ़ी खुश प्रणव दा दिखाई दे रहे थे। और उन्होंने कहा कि एक सपने जैसा अगर कुछ था तो वो यही था, लेकिन ये सपना, ये उम्मीद भी इसी जन्म में पूरी हो गई, और इससे सार्थक जीवन कोई और नहीं हो सकता कि जो आप सोचें और वो आप इसी जन्म में कर जाएं। तो अक्सर लोगों के सपने सिर्फ सपने रह जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं लोग जो अपने सपनों को पूरा करते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो जी जान लगा देते हैं, अपने आसपास उस तरीके के माहौल को तैयार कर देते हैं कि उनके सपने खुद ब खुद पूरे हो जाते हैं, और उनमें से प्रणव दा एक थे। और सियासत के शिखर पुरुष प्रणव दा का निधन हो चुका है, लेकिन इतने किस्से हैं, इतनी कहानियां उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं जो हमेशा इस देश को प्रेरित करती रहेंगी, राजनीति को प्रेरित करती रहेंगी कि राजनीति में रहते हुए कैसे आप अपने आप को संयमित कर सकते हैं, कैसे आप अपने आप को एक पार्टी से, विचारों से ऊपर रख सकते हैं। वो गुण अगर आपको सीखना है तो प्रणव दा की कहानियाँ आप पढ़ें, उनके जीवन को आप अगर बहुत ही बारीकी से देखें, कि किस्सों को देखें, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ट्विटर पर 2 तस्वीरें साझा करते हुए ये बात बताई थी कि कैसे वो प्रणव दा से जब मिलते थे तो उन्हें महसूस नहीं होता था कि प्रणव दा उनकी पार्टी से नहीं है या उनके विचार मिलते नहीं हैं। और एक वीडियो में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि प्रणव दा के अंदर वो पिता का रूप देखते हैं, पिता की तरह उनकी देखभाल करना, कैसे एक पिता अपने बच्चे का ख्याल रखता है। और प्रधानमंत्री का कहना था कि जब मैं अक्सर मिलता था प्रणब मुखर्जी से तो वो ज़रूर कहते थे कि दिन में कुछ घंटे तुम्हारे लिए सोना भी उतना ही ज़रूरी है, तुम अपने आप को आराम दो, इतना परेशान मत करो, क्योंकि ज़िंदगी में अभी बहुत लंबा चलना है और इसके लिए तुम्हें खुद का भी ख्याल रखना होगा। तो ये एक पिता के ही भाव हो सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इन बातों को याद कर रहे होंगे आज, तो ज़रूर काफ़ी भावुक हो रहे होंगे। उन्होंने 2 तस्वीरें साझा करते हुए गहरा शोक जाहिर किया था, क्योंकि जब से प्रणव मुखर्जी के तबीयत खराब होने की जानकारी मिली थी तभी से काफ़ी वो परेशान थे, कई बार उनका हालचाल भी वो ले रहे थे, उनके बेटे से लगातार प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे थे, लेकिन कल जब उनके निधन की खबर सामने आई तो ये देश के लिए बहुत ही दुखद घड़ी। और इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंच चुके हैं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे और 2019 में ये सौभाग्य रामनाथ कोविंद को मिला था कि उन्होंने अपने हाथों से
प्रणव दा को भारत रत्न से सम्मानित किया था। बहुत ही सुंदर तस्वीर जो कि सोशल मीडिया पर कल से वायरल हो रही है, जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया था। रामनाथ कोविंद ने याद करते हुए प्रणव दा को कहा कि जिस तरीके के वो व्यक्तित्व थे वैसा होना बहुत मुश्किल है, बहुत कुछ मैंने निजी तौर पर उनसे सीखा है और ये मेरे लिए सौभाग्य था कि जब मैंने उन्हें भारत रत्न अपने हाथों से दिया तो मेरे लिए भी ये सौभाग्य की बात थी। और इस वक्त आप देख रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रणव दा को पुष्प चक्र के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अब वहां से निकलते हुए प्रणव दा के बेटे को भी आप लगातार देख रहे हैं, परिवार के अन्य लोग भी मौजूद हैं, बहुत ही कम लोग क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे में हर तरीके की जो सुरक्षा सीमाएं हैं उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। और इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बाहर निकलते हुए, दोपहर 12 बजे तक के लिए अंतिम दर्शन है तो ऐसे में एक एक करके अब लोग पहुंच रहे हैं और उनसे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नमन कर रहे हैं और परिवार से भी मुलाकात कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार वहां पर मौजूद हैं। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और अब तस्वीरें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अंतिम दर्शन कर वहां से निकलते हुए। तो आज लोधी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार होगा, 2:30 बजे का समय तय किया गया है, लेकिन उससे पहले अंतिम दर्शन। और सियासत के शिखर पुरुष प्रणव दा का निधन हो चुका है लेकिन इस वक्त उनके विचारों को देश याद कर रहा है। जिन लोगों ने उनके साथ काम किया, जिन लोगों ने उनके साथ बहुत कुछ सीखा है, उनके लिए ये दुख की असीम घड़ी है। और रामनाथ कोविंद भी उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने बहुत कुछ प्रणव दा से सीखा है, क्योंकि आज जिस पद पर वो हैं प्रणव दा ने उस पद को संभाला था। और जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने थे तो उस वक्त भी प्रणव दा के साथ उनकी बातचीत की तस्वीरें सामने आई थी। और आपको बता दें कि आज दोपहर 2:30 बजे का समय जो अब तक सामने आ रहा है कि लगभग 2:30 बजे के आसपास अंतिम संस्कार किया जाएगा लोधी शमशान घाट पर। उससे पहले लगातार आपको उनके सरकारी आवास की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त उन्हें नमन किया जा रहा है, उनके अंतिम दर्शन किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप 10 राजा जी मार्ग उनके सरकारी आवास की देख रहे हैं। और साथ ही साथ आपको उन लोगों की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं जो राजनेता पहुंच रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, क्योंकि आज अंतिम विदाई दी जा रही है, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। लेकिन ये अंतिम विदाई सिर्फ सामाजिक व्यवस्था के जरिए, इसके अलावा जहन में हमेशा प्रणव दा जिंदा रहेंगे, उनके विचार, उनकी किस्से, उनकी कहानियां हमेशा याद की जाएगी। और चलिए तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे, जो नेता पहुंचेंगे उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी हरदोई से मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी हरदोई से आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरदोई में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप की स्थिति सामने आई है, एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हरदोई में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। एक महिला और 2 पुरुष की हत्या की गई है। कडियावा थाने के कुआमऊ की ये घटना बताई जा रही है, कुआमऊ गांव का ये पूरा मामला है। हरदोई में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप की स्थिति बनी हुई है, पूरे मामले की छानबीन हो रही है। और आपको बता दें कि एक ही परिवार के तीन लोगों की हत्या की गई है, एक महिला और 2 पुरुष इसमें शामिल हैं।
तडियावा थाने के कुआ मऊ का ये मामला अभी बताया जा रहा है और आपको बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में लगी हुई है। और अब खबर आगरा से, जहां ट्रिपल मर्डर के आरोपियों का एनकाउंटर, मुठभेड़ में गोली लगने से दो बदमाश जख्मी हो गए। सुभाष और वकील नाम के दो बदमाश घायल किए गए हैं। मुठभेड़ में एक सिपाही भी जख्मी हो गया। और रुपए वापस ना करने पर हत्या की थी इन दोनों ने। इसी मामले में वांछित चल रहे थे, लेकिन मुठभेड़ के जरिए इन दोनों को ही घायल करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ट्रिपल मर्डर के आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई है। मुठभेड़ में गोली लगने से दो बदमाश घायल। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको आगरा से दे रहे हैं। तो ट्रिपल मर्डर के आरोपियों का एनकाउंटर किया गया है और बता दें आपको कि मुठभेड़ में गोली लगने से दो बदमाश घायल हुए हैं। दोनों की ही गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस का कहना है कि एक मामले में ये वांछित चल रहे थे, रुपए वापस ना देने पर हत्या का ये मामला था जिसमें दोनों वांछित थे। दोनों की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि कई कड़ियां अब सुलझेंगी, इनसे पूछताछ होगी। फिलहाल अभी हॉस्पिटलाइज किए गए हैं दोनों और जैसे ही इनकी स्थिति में सुधार होगी वैसे ही इनसे पूछताछ शुरू की जाएगी। मुठभेड़ में एक सिपाही के भी जख्मी होने की खबर है। संजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, कितनी बड़ी सफलता पुलिस के लिए? बिल्कुल जो एक बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से ट्रिपल मर्डर हुआ था तब पूरे शहर में एक सनसनी फैल गई। ट्रिपल मर्डर के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। 5 टीम आगरा SSP बबलू कुमार ने लगाई और लगातार जो टीमें थी वो पंपिंग कर दी गई। उसके बाद 24 घंटे में इस घटना में दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 लाख रुपए का कुछ लेन देन बताया जा रहा है जिस कारण से इस हत्या को अंजाम दिया गया, ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया गया। जी संजय, इस वक्त बताया जा रहा है कि एक सिपाही भी जख्मी है, उसकी स्थिति क्या बताई जा रही है? बिल्कुल, लगातार पुलिस चेकिंग फिक्सिंग कर रही थी इस बात को लेकर और लगातार 5 टीमें लगी हुई थी। तो कल मतलब इलाके में जब उन्हें सूचना मिली कि इस प्रकार के कोई बदमाश है तो जिस घटना से संबंधित है तो उनका जब पीछा किया तो वहां से फायरिंग शुरू हुई, तो जवाब फायरिंग करना शुरू हुई, लगातार मुठभेड़ चली। उसमें एक सिपाही घायल हुआ, दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जिनके पैर में गोली लगी है। बहुत शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो रुपए वापस ना करने पर हत्या की गई थी और इसी मामले में ये वांछित थे। ट्रिपल मर्डर के आरोपियों का एनकाउंटर किया गया है। और चलिए बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, मां बेटे की हत्या का मामला है। आरोपी बेटे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जुवेनाइल बोर्ड में चल रहा है मामला। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में आरोपी रहेगी। तबीयत ठीक ना होने की वजह से KGMU में उसे रखा गया है। तो जुवेनाइल बोर्ड में मामला चल रहा है। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में आरोपी रहेगी और आपको बता दें कि तबीयत ठीक ना होने की वजह से KGMU में आप आरोपी को रखने का फैसला किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, माँ बेटे की हत्या का मामला है। आरोपी बेटी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत और जुवेनाइल बोर्ड में ये मामला चल रहा है। आपको बता दें कि माँ बेटे की हत्या का मामला है और जिस लड़की की गिरफ्तारी हुई है उसका मामला जुवेनाइल बोर्ड में चल रहा है। तबीयत ठीक ना होने की वजह से फिलहाल KGMU में उसे रखा जाएगा। तो तबीयत ठीक ना होने की वजह से KGMU में रखा जाएगा और रिमांड पर लिया गया है। मां बेटे की हत्या का यह मामला था। आरोपी बेटी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया और जुवेनाइल बोर्ड में चल रहा है केस। और चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। I need a clean घर। Hygiene is important, हाँ? और intimate area की hygiene most important। क्योंकि कभी गर्मी, कभी periods, इसीलिए मुझे चाहिए कुछ effective पर natural, जैसे clean and dry wash, जो करे pH naturally balance, रखे germ से protected और मुझे fresh और अंदर से
can't be. खुद ही को आजमाया है तुझे अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक सुप्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण पेट सफा तो हर रोग दफा। आज से शुरू हुई पूरे देश में जेई मेंस की परीक्षा लखनऊ में 8 केंद्रों पर 2 पाली में हो रही जेई मेंस की परीक्षा कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से हो रहा है पालन। नहीं रहे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 84 साल की उम्र में निधन आज 2:30 बजे दिल्ली में हो सकता है अंतिम संस्कार। प्रदेश के कई जिलों में बारिश की चेतावनी महोबा बांदा चित्रकूट प्रयागराज में बारिश का अलर्ट है तो भदोही चंदौली वाराणसी गाजीपुर में भी हो सकती है भारी बारिश।